मध्य प्रदेश में विधायक प्रस्ताव कार्यक्रम में त्योथर विधानसभा पहुंचे प्रेम नारायण पांडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए आपको लेके चलते हैं त्योथर विधानसभा की खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में सप्त दिवसीय विधायक प्रस्ताव कार्यक्रम में त्योथर विधानसभा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में गोंडा जनपद के तरफगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज मैं त्योथर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी विधायक गण हैं उनका प्रवासी कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे त्योथर विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई सर। आदरणीय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो सप्त दिवसीय कार्यक्रम प्रवास का हमारी विधानसभा में रहा है, क्या उद्देश्य रहा है और इसे कैसे देख रहे हैं आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले हमारा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेतृत्व का सबसे पहला उद्देश्य है कि कमल खिले। तो हम धरातल पर देख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं, हमारे धरातल पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं सब जो हैं गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, सारी धरातल पर पहुंच रही हैं। हमारे तीन मंडल हैं इस त्योथर विधानसभा में, तीनों मंडलों में मैं बार बार जाके मीटिंग कर रहा हूँ। आज भी हमारी एक गढ़ी मंडल में बैठक थी, बैठक सबसे पहले मंडल कार्यकारिणी की, मोर्चाओं के अध्यक्षों की हुई, इसके बाद शक्ति केंद्र और बूथ केंद्र प्रमुखों की बैठक हुई। बैठक में मूल विषय जो है हम लोगों का राष्ट्र को समर्पित जो सरकारें हैं हमारी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम कमल के लिए काम कर रहे हैं। कुछ विषय जैसे आए हैं जो देख रहे हैं कि कई प्रत्याशी यहाँ घूम रहे हैं, हमारे प्रत्याशी या हमारे कार्यकर्ताओं के प्रत्याशी तो कमल, हम कमल को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। टिकट का विषय तो है, ये विषय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का केंद्रीय समिति का, हमारा कोई विषय नहीं। हम लोग आए हैं, हमारे काम दिए गए, हमको 18 काम मुख्य रूप से करना, वो काम जो है हम धरातल पर ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहे हैं, समाज में बैठ रहे हैं। तो सर, आप कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कैसा लगा आपको त्योथर विधानसभा में जो तीन मंडल आपके चल रहे हैं, इन मंडल में कार्यकर्ताओं की मंशा आपने जाना कि हमारे कार्यकर्ताओं की क्या मंशा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या त्योथर में रिपोर्ट पॉजिटिव रहेगा? निश्चित रहेगा त्योथर में, ये जो है हमारी हमारा कमल खिलेगा, हमारे विधानसभा का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा, कहीं कोई शक्तवा नहीं। अगर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि त्योथर में प्रत्याशियों को लेके भाजपा चिंतित है, तो इस विषय में आप इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है कि भाजपा चिंतित है। भाजपा देखिए पूरे प्रदेश में, हम लोगों के यूपी से 100 लोग आए हैं, इस तरह 230 विधानसभाएं हैं, 230 में कहीं ना कहीं के विधायक लगे, तो ये जैसे कार्यकर्ता जो जाते थे यहाँ से जाते थे, गुजरात से जाते थे, हम लोगों के यहाँ भी जाते थे, तो हम लोग कार्यकर्ता ही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक तो बाद में, सबसे मूल तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करने आए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है लाडली बहना योजना, विपक्षियों का कहना है कि ये चुनाव आते ही अपनी योजनाओं का भरमार घोषणाबाजी कर रहे हैं, घोषणावीर हैं, कई तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लाडली बहनों के खाते में पैसे पहुंच रहा है, ये विषय विपक्षियों का है। विपक्षी तो कुछ भी कहते रहते हैं, हम अच्छा काम करेंगे तो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो कभी अच्छा काम किए ही नहीं है। कांग्रेस का देख लीजिए, जितनी सर जितनी दिन सरकारें रही हैं, घोटाला 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 बाद सरकारें रही हैं। हमारे मोदी के ऊपर कोई प्रश्न लगा सकता है किसी विषय में? हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं,
अपने मध्य प्रदेश के अरविंद शिवराज जी हैं। यहाँ विषय चुनावी नहीं है, योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं लाती है, गरीब कल्याण के लिए लाती है, गरीबों के लिए है। ये योजनाएं हमारे बहनों के लिए है, लाडली बहनों के लिए। सर, आपके प्रवासी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे आपने त्योंथल विधानसभा का काफ़ी दौरा किया और हर मंडल में आप स्वयं जाके लोगों से भी मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है उनसे भी मिल रहे हैं। त्योंथल में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही है, जैसे कि अभी वर्तमान में बिजली की समस्या भरपूर चल रही है, तो इस विषय में क्या आपकी पार्टी या आप इस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार को देंगे या आगे कैसे देखते हैं इसको, कैसे इसका निराकरण होगा? जितनी जो है जैसे बिजली है जी, सड़क है, जो भी योजनाएं हैं जो हमारे समझ में आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हमें समझा रहे हैं, वो सारे विषय हम अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे, प्रदेश नेतृत्व को देंगे। किससे हम क्या करें, हमारा कमल खिले, सारे प्रयास हम करेंगे। सर, एक सवाल और था हमारा कि अभी जो हमारा समय था विधानसभा का पिछले लगभग 4.5 वर्ष पूरा हो चुका है और लोगों का कहना है, जो त्योंथल की जनता है, त्योंथल की जनता का कहना है कि हमारे विधायक ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमको दिखे। अभी तक उन्होंने जो किया है सिर्फ भूमि पूजन किया है, भूमि पूजन के सिवा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। लोगों ने ये भी कहा, जैसे कुछ उदाहरण के लिए कार्य हमारे चल रहे हैं, चाहे वो पुलिया का हो, चाहे त्योंथल मंगलम भवन का हो, तो इस विषय में आप किस प्रकार देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे जनता को कि इसको कैसे देखे जनता? देखिए, ये विषय है, ये विधायक का विषय नहीं है, सरकारें काम करती हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, काम सरकारों का होता है, दिखाई सरकारों का काम पड़ता है। हम जनता के सेवक हैं, जिस दिन हम विधायक बने पूर्ण रूप से हम उनकी सेवकाई करेंगे। जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे भारत सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। सड़क है, पुल है, पुलिया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सारे काम हो जाए। काम बहुत हुए हैं और काम होते रहेंगे। ये विषय सरकार का है, हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारों से लड़ के, निवेदन करके हर चीज़ अपने विधानसभा में हर व्यक्ति के लिए जाएं। जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी प्रकार का घोटाला ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, योजनाएं आदमी तक पहुँचे। यही कांग्रेस है, वहाँ के मुखिया कहते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूँ भारत सरकार से, 15 पैसे पहुँचता है गरीबों के पास। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, सीधे टन से खाते में पहुँचता है लाभार्थियों के। सर, अभी जिस प्रकार से आपका प्रवासी कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों को 230 विधानसभा में, हर विधानसभा में कहीं ना कहीं से विधायक आए हुए हैं, प्रवासी कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा आगामी जो हमारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो उसमें क्या मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, हम गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर ले जा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं। कोई नया विषय थोड़ा है कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम तो करते आ रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम तो हमेशा से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा गरीबों के मुद्दों पे ही काम करते हैं? जी, एकदम। ये कल्याणकारी योजनाएं जो है, देखिए हमारे मोदी जी गरीबी में पले हैं, गरीबी देखे हैं, गरीबों के बारे में रात दिन सोचा करते हैं। कभी बताइए वो बीमार हुए आज तक? कभी नहीं हुए। जनता देख रही है क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। जो सम्मान आज विश्व में हमारे मोदी जी का है, कभी था कभी नहीं था। गौरव करना चाहिए हम भारतीयों को कि हमारे नेता कैसे। अभी आपने सारे मंडल का, त्योंथल विधानसभा का दौरा किया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे त्योंथल विधानसभा के क्षेत्रवासियों को या अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, हम अयोध्या नगरी से सटी विधानसभा से, भगवान राम की नगरी से आए। हमारे यहाँ भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, अभी जनवरी में ही भगवान विराजमान करेंगे अपने स्थान पे। हम उनके स्थान से आकर के निवेदन करने आए हैं त्योंथल की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से। अगर ये मोदी जी के दूत के दूत बन के आए हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि आप अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए
कमल खिलाइए अपने क्षेत्र में। ये कमल जो है भगवान के चरणों में चढ़ता है। भगवान के लिए सिर्फ एक ढेर बना लीजिए, कमल कमल कमल। धन्यवाद आदरणीय जी, आपने देखा कि हमारे साथ अयोध्या नगरी तारकगंज के यशस्वी विधायक रहे हैं। आज छठवा दिन विधायक जी का द्योथर विधानसभा में रहा है और अभी हमारे साथ उन्होंने जो भी पिछले 6 दिनों में द्योथर विधानसभा में बातें हुई कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, आम नागरिकों की जो भी समस्याएं रही उस विषय पर चर्चा हुई। आगे की खबर के लिए अब हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।